नमस्कार दोस्तों, आप कानपुर के मक्कल लौंडे के साथ। जैसा कि हमने बताया था, हम लोग जा रहे हैं मैहर। हाँ। तो भैया हम लोग अभी रिक्शा में बैठे हैं। तो ये देखो भैया हमारे हैं, और देखो ये हैं। तो हम सब लोग जा रहे हैं भैया मैहर। अच्छा, तो भाई यहाँ जा रहे सेंट्रल, सेंट्रल से वही के बाद में गाड़ी बैठा जाए, फिर वही के बाद चलेंगे भैया रात में, वीडियो बनाते हुए चलेंगे दिखाते हुए। और देखो हमारे साथ अम्मा भी जा रही भैया, हमारी दादी भी जा रही। देखो तो भैया लोग, हम लोग पहुंच गए घंटा घर में। या देखो यहाँ हमेशा बहुत भीड़ रहती है। तो भैया उत्तर मध्य रेलवे हमारा स्वागत करता हुआ। ये रहा अपना कानपुर सेंट्रल, और ये सामने जो झंडा दिखा रहा भैया, ये अब ही लगा है, पहले ना ही रहे। यो छपरी यूट्यूबर, यूट्यूबर को सब्सक्राइब मत करना, छपरी है एकदम, दिखा दो भैया। जो उन सामने सीढ़ी दिखा रही है, वैसे चलो प्लेटफार्म में चला जाए। तो भैया हमारे पुत्तन भैया बोले थे तरक्की की सीढ़ी चढ़ना, देखो आज हम तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब दो नंबर प्लेटफार्म पे जाना है हम लोग का, तो चलते हैं, आइए। तो भैया सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है, देखो ये सफाई कर्मी भी गैजेट्स लिए हुए हैं सफाई करने वाला। ये देखो भैया दो इंजन आपस में बातें कर रहे हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं। एक बोल रहा है, यार हम तुमसे बहुत तेज चलते हैं। तो एक बोल रहा है, नहीं हम तुमसे तेज चलते हैं, चाहे शर्ट लगा लो चुलाक दिखाई का। तो भैया थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अपनी ट्रेन आ गई है। या देखो तो भैया ये है चित्रकूट एक्सप्रेस, चलो यही चला जाए। तो भैया लोग इस समय हम लोग भैया ट्रेन में चढ़ गए हैं। तो भैया थोड़ी देर में ट्रेन चलने वाली है, अपनी ट्रेन चल चुकी है, अब हम लोग चल रहे हैं। जितनी दफा सुबह को मैंने तेरी आंगन में बैठे मेरे शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, बेलिया ओ बेलिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, बेलिया ओ बेलिया। तो भैया हम लोग बैठे हैं ट्रेन में, हम लोग खेल रहे हैं अंताक्षरी। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं हर खुशी ला, बहुत तेज गाड़ी चल रही भैया, 100 की स्पीड में, लग रहा कोनो जवान लौंडा गाड़ी चला रहा भैया। देख रहा हो बहुत तेज चल रही, पटरी में आग लगा दी यार, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लग रहा भैया अब ही एक घंटा पहुंचा दे मैहर। काट रही है ओम को।
कैसे काट रही है ओम को। तो हमारे गोलू भैया रैंडम आदमी की मौज लेते हुए देखिए पंक 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 भैया लोग हम लोग भैया ट्रेन से उतर गए हैं, पहुंच गए हैं भैया मैहर। बहुत लंबे सफर के बाद देख रहे हो कंजड़ बन गए हैं। हाँ भैया, यहाँ से भैया हम लोग को टेम्पो वाला मिल गया है तो लेके जा रहा है हम लोग को भाई मंदिर। तो चल रहे हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो भैया ये देखिए पीछे अपना है मैहर स्टेशन, यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं टेम्पो पकड़ के आगे। तो लोग देखो टेम्पो में बैठ रहे हैं। कहाँ चल रहे भैया? भैया माता मंदिर जा रहे हैं, चलियो का? हाँ मऊ चलिए। A few moments later. तो भैया टेम्पो से हम लोग पहुँच गए हैं माता जी के मंदिर के पास। चलो आओ दिखाते हैं, यहाँ से दिखाई देता है वो देखो जहाँ लाइट जल रही पहाड़ जैसा वही है माता जी का मंदिर, वहीं चलना है हम लोग को। यहाँ ये देखो एक कमरा मिला है और एकदम फ्री है, यहाँ बैठे हैं हम लोग और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नहाए धोए, नहा धो के फिर सीधे मंदिर पर चला जाए ठीक है। तो हमारे ये देखो देवू भैया देखो बैठे हैं खा रहे हैं, सब कोई तैयारी कर रहा है नहाने धोने की। ये टुल्ली देखो तैयारी में। नमस्कार भैया, आओ चलो नहा जाए। तो चलो भैया नहा दो फिर आ रहे हैं। A few moments later. तो भैया हम लोग नहा धो के तैयार हो गए और हम लोग एक के बाथरूम में चार चार लोग नहावा है, ठुल्ली हम और ऋतिक भैया और अपने गोलू भैया सब एक एम नहावा है, नहा तैयार हो गए हैं, अब केवल मंदिर चलना है। ऋतिक भैया बाल झाड़ रहे हैं पानी लगा लगा के, पानी लगा के बाल झड़े। तो भैया प्रसाद लिया जा रहा है अभी लगाऊंगा चढ़ाने वाली भी है। ये 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 भैया हम लोग प्रसाद ले लिए हैं, अब चल रहे हैं भैया चढ़ाई चढ़ने। तो आइए साथ में भैया आपको दिखाते हैं मंदिर के दर्शन करवाते हैं माता जी के। तो भैया ये है माता जी का प्रवेश द्वार, इसके अंदर से हम लोग जाएंगे थोड़ा दूर जाके। तो चलिए भैया आइए चलते हैं, ऋतिक भैया लोग आगे चले गए। तो भैया अंदर जाने के लिए देखिए रेलिंग लगी हुई है, इसे बीच से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। अगल बगल दुकानें हैं भैया, वहीं थक गए हैं सब, बोल रहे हैं हमारा पैर भारी लग रहा। तो अब ही देखो का हाल होए वाला है, सीढ़ी चढ़े दो सबका तब बता रहे हैं तुमका। तो भैया लोग हम लोग बैठे हैं अभी, काहे कि भैया अभी गेट खुला नहीं है, 5 बजे खुले वाला है और हम लोग 4:30 बजे आके बैठ गए हैं। तो आधा घंटा भैया यहाँ इंतजार करो फिर वही के बाद चलो, तब तक तुमका दिखा रहे हैं देखो यहाँ भीड़ कितनी है। अभी देखो वहाँ लगा है वो, भैया लोग हम लोग इस समय सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इस समय 200 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। टुल्ली हालत देखिए आप खराब हो गई है, दिखा दो एक बार बोले दिमाग खराब, 1000 सीढ़ी। ये विश्राम स्थल है, अगर आराम करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं आगे। देवू मजा आ रही है?
सेट रही भैया। जय तुम्हारा 2 किलो वजन कम हो जाएगा घर जाते जाते। टुल्ली की हालत खराब है भैया। दो बाकी के पार आएंगे। तो भाई हम लोग 420 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और ठुल्ली की हालत खराब है मगर देवू अभी स्ट्रगल कर रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है सही। अभी वो मंदिर बहुत पुराना है भाई, वो मंदिर जो बना है वो जरा सा जो दिख रहा है कैसे मालूम तुम्हें? अबे हम थोड़ी है। बात सही है, चढ़ाई करने में अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। मेरी तो तुम देख ही रहे हो। छगन ब्लॉगर भी आ रहे हैं। हाँ ये है छगन ब्लॉगर, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। तो भैया हम लोग 556 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। क्यों देखो कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है भैया। लोग ये जो देख रहे हैं पहले वाली सीढ़ी है, पुरानी सीढ़ी, पहले लोग इसी से चढ़ते थे मगर ये अब नई बन गई है। ये देखिए, ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ी है। चढ़ते कैसे थे सबको यहाँ? और ये रहे अपने देवू भाई। ये A few moments later। अरे भैया बोले शादा मैया की जय। तुम इन भैया का देख के समझ सकते हो कितनी दिक्कत होती है चढ़ाई चढ़ने में। भैया हालत कुछ खराब हो गई है तगड़ी तरीके से, पूरा भीग है, चश्मा लगाने का भी मन नहीं कर रहा है। टुल्ली भाई बोल रहा है हमारे पैर जवाब दे दिए। हमने इनके पैर से पूछा भैया तुम जवाब दे दिए हो का, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। ये है भैया अपने विश्राम ग्रह, यहाँ पे आप आराम कर सकते हो। देखिए बहुत से लोग कर रहे हैं और इधर देखिए चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं। बड़ी पतली गली है ये, इसमें भी इतनी भीड़ है, भीड़ में लोग जा रहे हैं। ये देखिए आप कितना गजब का नजारा है, पहाड़ दिख रहे हैं ये। बोलू देखिए कातिलाना निगाहों से देख रहे हैं कुत्ते को। तो भैया हम लोग 1000 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। तो भाई हम लोग चढ़ते हुए मंदिर के पास आ गए हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर। बहुत ऊपर आए, अभी दिखाएंगे आपको कितनी ऊपर है। ये देखिए ये मंदिर है, बाहर LCD लगी हुई है। तो भैया माता के दर्शन हो गया है, ये मंदिर देख रहा हो, यही गह रहा है ना भाई, दर्शन अर्शन कर ली ना। ये हमारा बहुत थक गए, बहुत ऊपर तक आ रहा है भैया। कितनी 1000 सीढ़ी है? 1052। अब तो दूर नीचे जाए गए भाई। तो भैया लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे माता जी की चुनरी बांध के जाते हैं, तो हमने भी चुनरी बांध दी है।